की गहराई के बारे में हम आपको बताएं तो ये है कि यहाँ पर मतलब जो है डिस्कवरी टीम भी आई है, बहुत जी अथाह गहराई बताते हैं। तो फाइनली हम भीमकुंड आ चुके हैं। तो स्वागत है फ्रेंड्स मेरी एक और नई वीडियो में आप सभी का, और एक और नया दिन और एक और नई जर्नी छोटी सी। और इस वक्त मैं हूँ अभी घर पर, आज मैं जल्दी घर पर आ गया था क्योंकि जहाँ मैं जा रहा हूँ आज वो आपके साथ जो मैं शेयर करूँगा वो यहाँ से करीब 100+ किलोमीटर से यहाँ से, तो इसलिए मैं आज जल्दी निकल रहा हूँ। और अभी सुबह के करीब 10 बज रहे हैं अभी, ठीक है। तो मैंने नहा तो लिया है, बस रेडी हो गया हूँ, बस यहाँ से अभी थोड़ी देर में निकलेंगे हम। आज मेरे साथ एक भाई भी है, कज़िन भाई जा रहा है, जो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, आज वो भाई नहीं जा रहा है। तो आपको थंबनेल और टाइटल देख तो पता चल ही गया होगा, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आज मैं भीमकुंड जा रहा हूँ, जो छतरपुर ज़िले के बाजना गाँव में स्थित है, जो बहुत ही अच्छी जगह है। और तो चलो फिर चलते हैं वहाँ पर और फिर आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ से काफ़ी दूर है तो पहले हम एक दो जगह रेस्ट करेंगे, फिर वहीं सीधे आपसे बात करते हैं। तो फिर मिलते हैं आपको वहीं। मंदिर देखा वो अभी खजुराहो टेम्पल है, अभी जटकरा में पड़ता है ये वाला मंदिर खजुराहो, तो वो अभी आगे है काफ़ी। किसी दिन उसका भी हम वीडियो बनाएंगे डिटेल्स में, खजुराहो मंदिर का। ये रास्ते में पड़ा तो शूट ले लिए, अभी एक और आगे मंदिर है तो वो भी आपको दिखाएंगे साथ में, लेकिन डिटेल्स में नहीं बता पाऊँगा इस बार, बट नेक्स्ट वीक उसका भी वीडियो आएगा मस्त डिटेल्स में, मज़ा आएगा। और बस देखते हैं और आगे चलते हैं। और अभी हम छतरपुर पन्ना हाईवे आ चुके हैं, और ये कुछ हाईवे का भाई साहब। अच्छा बाजार और रुके भीमकुंड। अच्छा फिर होटल से कितनी दूर है भीमकुंड? भीमकुंड कितनी दूर है होटल से? भीमकुंड से बाजार से लोगों का ब्लॉग हो गया, ब्लॉग में आएंगे यूट्यूब पे परशुराम ब्लॉग्स डालियो आज। 2000 years later. चलो फिर भाई, ठीक है चलो। अभी भाई लोग मिले थे ना, ये बिजावर जा रहे हैं, ये धर्मपुरा से आए हैं, और इन लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पर बिजावर में आज हमारे शिवराज सिंह चौहान जी आ रहे हैं, और वहाँ पर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। आजा भाई आजा। अंकल जी तन से जट संगर कितनी दूर है? 12 किलोमीटर। अच्छा 12 किलोमीटर। और हम बिजावर आ चुके हैं, ये छतरपुर की छोटी सी तहसील है जहाँ हम थोड़ी देर रुकेंगे। अभी एक भाई से मैंने पूछा, वो बता रहा है शिवराज सिंह जी 2 बजे आने वाले हैं, और अभी टाइम हो रहा है करीब 1, और अगर यहाँ पर रुकेंगे तो लेट हो जाएंगे, तो जब रिटर्न आएंगे ना तब आपको हम दिखाएंगे वहाँ पे, क्योंकि वो 3 घंटे रुकने वाले हैं, तब तक तो हम वापस भी आ जाएंगे। तो अभी हम एक कैफ़े पे रुकने वाले हैं, और अभी हम आ चुके हैं यहीं पे बस स्टैंड पे, चाय पीने के लिए रुके हुए थे तो पीते। भाई साहब दो चाय दियो। और
करीब करीब 70-80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद रुके हुए हैं। और सामने चाय दी है भाई साहब जी, आपका नाम क्या है जी? अच्छा, ये अपने फेसबुक के फेमस आदमी। अच्छा, फेमस 28 की लगी हुई है फेसबुक पे। अरे वाह, चलो जी बढ़िया ले। और एक चीज़ और, यहाँ पे बस काफ़ी सारी पुलिस है, तो यहाँ पे बस पुलिस अच्छा शिवराज सिंह जी आ रहे हैं। चलो जी, और भाई जी ने बताया कि शिवराज सिंह जी आने वाले हैं, आज उनकी रैली है यहाँ पे। यहाँ पे वो है ना, आज मौनिया उत्सव। अच्छा, मौनिया उत्सव है जो दीपावली जो दीपावली के उत्सव में ये मनाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, जो विधायक जी, अच्छा जो विधायक कौन है यहाँ के? बबलू शुक्ला। अच्छा, ओके, तो थोड़ी देर में निकलते हैं पहले चाय पीने के बाद। चलो भाई जी, मिलते हैं फिर कभी आएंगे तो। आएंगे क्या, लौटते हुए जैसे मिलेगा तो चाय फिर से पी के जाएंगे। बिल्कुल पी के जाएंगे। चलो जी भाई जी, कैसे खा पा, कैसे दे रहे बिन्नू? अदरक लेने, चटनी वगैरह नहीं है साथ में? नमक है? नमक नहीं है ना आपके पास? चटनी वगैरह नमक कचू हो जो भी थोड़ी से खा रही है। सिंगड़े नमक तो खानी है, नमक रख लो तो सही रहे। कितने के दे हैं ये? 20 के पाऊगा? 40 के दे रहे हैं। अच्छा, रखने डिग्गी में? बन जाए डिग्गी में? हाँ बन जाए। और गाइस ये है ना, ये सिंगाड़े हैं, खाने में बहुत स्वादिष्ट हैं। ये पानी में होते हैं, तालाब वगैरह में, और जैसे ही निकलते हैं ना तो इसको भून लिया जाता, पका लिया जाता। आग और नमक मिला नहीं तो कोई नहीं, ऐसे ही खाएंगे। अब हम फिर से इस स्कूटी पर हो चुके हैं सवार और आगे का सफ़र है जारी। चलो चलते हैं। और यहाँ पे अभी रुके हुए थे एक पानी ली बोतल, तो अब आगे चलते हैं। अब सीधा हम मिलेंगे भीमकुंड में। कैसे हो अंकल जी? लकड़ी लकड़ी ये तोड़ के लाए? चलो जी बढ़िया ले। अच्छा, बैठते हैं बैठने के लिए? घर के लाए। अच्छा, घर के लाए। चलो जी अंकल जी। अंकल जी, और भीमकुंड कहाँ पर है? तो ये वाला रास्ता, ये वाला रास्ता है ना? कितना कितने दूर पड़ेगा यहाँ से? बस इतना थोड़ी दूर है, सामने है जब पहाड़ी दिखा रहे। अच्छा, पहाड़ी के ऊपर है? नहीं ऊपर नहीं, नीचे है। अच्छा नीचे। चलो फाइनली हम भीमकुंड आ चुके हैं, और यहाँ से बस 2-3 किलोमीटर का शायद डिस्टेंस है जब ये अंकल जी ने बताया। और ये यहाँ पर छोटी सी पहाड़ी भी है, अगर सामने आप देख पा रहे हो तो पहाड़ी के नीचे नीचे ही है वो भीमकुंड। तो चलते हैं और फिर मिलते हैं आपको वहीं पर। इस तरफ हम पहली बार आए हैं और देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है। देखो मार्केट लगी हुई है। चलो चलो चलो, भाई वगैरह अंदर रख सकते हैं ना? हाँ हाँ, चलो चलो, धन्यवाद अंकल जी। और जब भी आप यहाँ पे आओ तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मार्केट वगैरह मतलब खुली रहती है यहाँ पर, और यहाँ पर हर फेस्टिवल पर कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता रहता है। तो यहाँ पे पार्किंग है, यहाँ पर पार्किंग में लगाते हैं। और फाइनली आ चुके हैं यहाँ पे। पूरे रास्ते भाई ने स्कूटी चलाई है,
तो अभी थोड़ा 10 मिनट के समथिंग यहाँ पर लेंगे ब्रेक, फिर आपको आगे थोड़ा बताएंगे। और यहाँ पे बाहर की तरफ मार्केट है और यहाँ पे पार्किंग है, करेक्ट। हाँ, और यहाँ पे अंदर की तरफ कुछ मंदिर भी है और यहीं शायद पहाड़ी के पीछे भीम कुंड है। तो रुकते हैं थोड़ी देर और फिर चलते हैं। पानी नॉर्मल है, ज़्यादा ठंडा नहीं है। ऐसे करो,